हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से हमारे चैनल द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया में हाजिर हूँ। और मैं अभी डिस्कस करूँगा यूपीएससी मेंस 2017 का, जो कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है, उसके बारे में। तो दोस्तों देखते हैं। तो जो हिंदी का पेपर होता है वो दोस्तों टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स, और सारे क्वेश्चंस को करना होता है। और उसकी जो वर्ड लिमिट है, क्वेश्चन के सामने लिखी हुई रहती है, उतने ही लिमिट्स में आंसर देना, और आंसर को हिंदी में ही लिखना है जब तक कि वो अलग कोई इंफॉर्मेशन ना दे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है वो एक ऐसे लिखना होता है आपको, चार ऐसे के टॉपिक दिए होते हैं, उनमें एक पर ऐसे लिखना होता है। जैसे अब की बार की बात करूँ 2017, तो उसमें पहला ऐसे है तकनीक के अत्यधिक प्रयोग से उत्पन्न खतरे पर लिखना है। जो टेक्नोलॉजी होती है उसका एक्सेस यूज से जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसके बारे में आपको 600 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा ऐसे इसमें था धर्म निरपेक्षता लोकतंत्र की शक्ति है, जो सेकुलरिज्म है और डेमोक्रेसी है, इन दोनों को कोऑर्डिनेशन में रखते हुए आपको ऐसे लिखना है। तीसरा ऐसे है नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि में होने वाले लाभ। दोस्तों डिमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ दिन पहले, 8 नवंबर, याद होना सबको याद होगा। तो उस पे डिमोनेटाइजेशन से जो हमारी इकोनॉमी है उसको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है 600 वर्ड में। तो अब चौथा इसमें आयुर्वेद पद्धति से रिलेटेड है कि आयुर्वेद पद्धति के प्रति पाश्चात्य देशों का आकर्षण, मतलब इस पद्धति को क्यों पाश्चात्य देशों में ज़्यादा अपनाया जा रहा है इसके बारे में लिखना है। तो चार ऐसे में किसी एक को पकड़ के आप लिखना है 600 वर्ड में। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी के आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उनको सही और संक्षिप्त भाषा में आपको आंसर लिखना है। तो 12 × 5 60 मार्क्स का ये पे क्वेश्चन है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चनों को इस ऐसे को पढ़ने के बाद सिंपली आंसर करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको एक अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है। मतलब आपको एक ऐसे दे रखा है और उस ऐसे का तुम्हें सारांश लिखना है 1/3 में, 1/3 वर्ड्स लिमिट में, ठीक है। और इसका शीर्षक नहीं लिखना है आपको कि ये ऐसे से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फ्रेंस नहीं देना है, सिंपल आपको इसका एक सारांश फॉर्म में लिखना है 1/3 शब्दों में, ठीक है। 33 वर्ड्स, 33% ऑफ वर्ड लिमिट आपको रखते हुए, और ये 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। चौथा क्वेश्चन की बात करूँ, चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया होगा, ऐसे बोलते हैं गद्यांश को, ऐसे का आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक 5वां क्वेश्चन होता है, इसमें भी एक ऐसे दिया हुआ था उसका इंग्लिश में दिया हुआ होता है ऐसे, ठीक है। उसको आपको 20 उस वो 20 नंबर का होता है, और उस ऐसे को जो इंग्लिश में दिया हुआ था उसको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। चौथा क्वेश्चन में हिंदी टू इंग्लिश करना था, 5वें में इंग्लिश टू हिंदी करना है। 6वां क्वेश्चन दोस्तों मुहावरे लिखने होते हैं, इसमें मुहावरों का अर्थ लिखना होता है, और ये टोटल 10 नंबर का होता है। तो इसमें जैसे कुछ मुहावरों के नाम मैं बताऊँ, जैसे चांद पर थूकना, हथेली पर सरसों उगाना, चेहरे पर हवाइयाँ ओढ़ना, अपना उल्लू सीधा करना, घड़े मुर्दे उखाड़ना, जैसे अभी इस बार के मुहावरे आए थे। हथेली पर सरसों उगाना मतलब बहुत ही कठिन टास्क को पूरा करना, उसके अलावा चेहरे पर हवाइयाँ ओढ़ना, जैसे तुम एकदम से अचानक से कोई परेशानी आ जाए और आपके फेस पे एकदम हवाइयाँ उड़ जाएँ, उसी तरह से अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, घड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को याद करना। तो इस तरह के इन मुहावरों के अर्थ आप लिख सकते हो। और उसी तरह से फिर इसमें 6वें क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों को शुद्ध फॉर्म में लिखना है। ये मतलब इम्प्योर वाक्य है, मतलब ये इनके अंदर कोई ना कोई गलती है जिसे दूर करके आपको सही रूप फॉर्म में इसको लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो जैसे उन्होंने पहला सेंटेंस में बोलूँ तो उन्होंने हाथ जोड़ा, तो ये गलत सेंटेंस है, उसको अगर सही लिखेंगे उन्होंने हाथ जोड़े लिखेंगे, ठीक है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस को सही लिखोगे तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए लिखोगे, गया नहीं। उसके बाद कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। और तो देखो इसमें दो जगह कृपा मतलब ये कृपया यूज इस्तेमाल किया है, तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें जो यह है, तो आज का अवकाश देने की कृपा करें इतना ही बहुत है, ठीक है। कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, तो कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं, नहीं है निराश करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें नीता खाता है,
नीता एक स्त्रीवाचक शब्द है दोस्तों, तो नीता खाती है, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट इसमें अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं, जैसे पुष्प हो गया, पुष्प से रिलेटेड, कमल वगैरह ये सब, पृथ्वी हो गया, इसका भूधरा लिख दिया, कामदेव मनोज और ये सब लिख दिए, चंद्रमा का चंद्र और चांद लिख दिए, नदी का सरिता और ये सब लिख दिए। तो आपको इस तरह से पर्यायवाची शब्द लिखने हैं दो दो बस, ठीक है। और इसी तरह से इसका चौथा पोर्शन है, इस लास्ट क्वेश्चन छठवें का, तो इसका इसमें आपको दो शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों में अंतर आपको पता करते हुए एक सेंटेंस फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। जैसे लक्ष्य हो गया, लक्ष्य का मतलब टारगेट, और लच्छ इसका मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, तो आप लोग देख लेना इस तरह से, मैं बता देता हूँ। लक्ष्य लच्छ, स्वेद स्वेत, सुधि सुधी, भवन भुवन, परिताप प्रताप। तो दोस्तों हिंदी इतना ज़्यादा मेरे को भी नहीं आ रही इस वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग देख लेना, अगर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइज, थैंक यू वंस अगेन।